प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय कबाब्स विले रेस्टोरेंट बाय सयाजी रीवा, रीवा का पहला ब्रांडेड होटल। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। विकास यात्रा के दौरान विंध्य के विकास को नया आयाम देने के लिए शीघ्र ही हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए चोरहटा हवाई पट्टी का रीवा एयरपोर्ट के रूप में विस्तार किया जा रहा है। इसके विस्तार के लिए 35 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया जा चुका है। एयरपोर्ट निर्माण का संभावित शिलान्यास 15 फरवरी को होना है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 15 फरवरी को रीवा दौरा प्रस्तावित है। इसमें एयरपोर्ट के शिलान्यास का कार्यक्रम शामिल किया गया है। पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल तथा कलेक्टर मनोज पुष्प ने संभावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। शुक्ल ने बैठक में कहा कि रीवा एयरपोर्ट विंध्य के विकास को नई गति देगा। 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्री सिंधिया तथा मुख्यमंत्री एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। अभी रीवा हवाई पट्टी के विस्तार का कार्य शुरू किया जा चुका है। 1400 मीटर की हवाई पट्टी को मजबूत करने का कार्य शुरू होने जा रहा है। यह निर्माण कार्य जुलाई माह तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद रीवा में हवाई सेवा शुरू हो सकती है। बता दें, यहाँ 72 सीटर प्लेन की आवाजाही शुरू हो जाएगी। हवाई अड्डा शुरू होने से विंध्य क्षेत्र में पर्यटन उद्योगों के विकास तथा चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इन्हें अब सफलता मिली है। एयरपोर्ट के शिलान्यास के अवसर पर हजारों लोग केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आएंगे। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। वर्तमान में उपलब्ध भूमि के अलावा 255 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसकी कार्रवाई 1 माह में पूरी हो जाएगी। वर्तमान में उपलब्ध जमीन पर एयरपोर्ट विस्तार का कार्य भी शुरू किया जा रहा है। बैठक में आयुक्त नगर निगम श्रीमती संस्कृति जैन, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी के गर्ग, अधीक्षण यंत्री नगर निगम शैलेंद्र शुक्ला तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी उपस्थित रहे। में प्रदेश का जो 6वां एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसके भूमि पूजन की संभावना 15 तारीख को है। मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसका भूमि पूजन करेंगे। उसी का निरीक्षण करने हम लोग यहाँ पर आए थे और लंबे समय से ये प्रतीक्षा रही है कि और मांग रही है कि विंध्य क्षेत्र एक ऐसा है जो एयर कनेक्टिविटी से अभी अछूता है, जिसके कारण यहाँ का विकास पर विपरीत असर पड़ रहा था। टूरिज़्म हो, निवेश हो, इंडस्ट्रियल और मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में भी बेहतरी हो, इसके लिए एयर कनेक्टिविटी उतनी ही ज़रूरी है जितना हाईवे की और रेलवे की कनेक्टिविटी ज़रूरी है। तो लंबी कवायद के बाद ये स्वीकृति हुई है और अब इसका भूमि पूजन हो रहा है। ये विंध्य क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है और हम सब मुख्यमंत्री जी का और सिंधिया जी का स्वागत करेंगे और इस सौगात के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर उनको धन्यवाद देंगे। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय कबाब्स विले रेस्टोरेंट बाय सयाजी रीवा, रीवा का पहला ब्रांडेड होटल।